मिलावटी दूध, ब्रांडेड चीजों पे भरोसा करने वालों हो जाओ सावधान, क्योंकि अब बंद पैकेट में चीजें भी आपको पहुंचा सकती है नुकसान, जिसका बहुत ही बड़ा हर्जाना आपको अपनी सेहत के लिए भरना पड़ सकता है। एक ऐसी चीज जिसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अपनी सेहत के लिए फायदेमंद समझते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दूध की। ये तो हम सभी मानते हैं कि दूध हमारी सेहत के लिए वरदान है, लेकिन इस वरदान में मिलावट करके कुछ लोग सेहत के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। एक ऐसा ही केस देखने को मिला जब एक मिलावट करने वाले के खिलाफ नकली दूध बनाने वाले की फैक्ट्री का ही एक मजदूर बगावत करने पर उतर आया। ये देखिए आखिर कैसे, किस तरह से बनाया जा रहा है ये नकली दूध। इसके हाथ में एक कांच की शीशी है जिसमें कोई केमिकल मौजूद है, और मिलावट करने वाला इसे चिमटे से पकड़ा हुआ है। आप खुद सोच सकते हैं कि आखिर ये कितना खतरनाक केमिकल होगा जिसे ये हाथ से न पकड़कर चिमटे से पकड़ रहा है। और जैसे ही वो थोड़ा सा केमिकल गिलास में डालता है, वहां खड़ा दूसरा व्यक्ति उस शीशी को उसी चिमटे से पकड़कर बड़ी ही सावधानी से हटा देता है। फिर वो उस केमिकल वाले गिलास में पानी डालता है, जिससे तैयार हो जाता है हमारी सेहत को खराब करने वाला दूध। लेकिन दोस्तों, हम ये नहीं चाहेंगे कि आपकी सेहत पर कोई भी बुरा प्रभाव पड़े। अगर आप भी असली और नकली दूध में फर्क पहचानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए दिखाते हैं कैसे असली और नकली दूध में आप फर्क पहचान सकते हैं। नंबर एक, आपने देखा होगा कि कई बार दूध उबालने से पहले दूध एकदम सफेद हो जाता है और पीला पड़ने के बाद सफेद पड़ जाता है, जो कि नकली दूध की पहचान होती है। असली दूध कभी भी उबाल के रखने के बाद पीला नहीं पड़ता, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर दो, असली दूध को हाथों के साथ रगड़ने से कोई चिकनाहट महसूस नहीं होती, लेकिन अगर हाथों पर दूध रगड़ने से चिकनाहट महसूस होती है तो ये नकली दूध है, जो कि डिटर्जेंट की वजह से होता है। नंबर तीन, दूध में पानी की मिलावट की पहचान कैसे करें? आप दूध में पानी की जांच को किसी लकड़ी या फिर किसी पत्थर की सतह पर दूध की एक या दो बूंदें डालें। अगर दूध बहता हुआ नीचे की तरफ जाता है और पीछे सफेद रंग की धार छोड़ता है तो समझ लीजिए दूध में पानी की मात्रा नहीं है। नंबर चार, आपको बता दें कि असली दूध का स्वाद हल्का मीठा होता है, जबकि नकली दूध का स्वाद सोडा और डिटर्जेंट के मिलने से कड़वा हो जाता है। नंबर पांच, सिंथेटिक दूध की पहचान कैसे करें? सिंथेटिक दूध की पहचान करने के लिए उसे सूंघें। अगर उसमें साबुन या डिटर्जेंट जैसी गंध आती है तो इसका मतलब है दूध में मिलावट है, जबकि असली दूध में आपको कोई भी डिटर्जेंट वाली स्मेल नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको अपनों की सेहत की परवाह है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि और कोई ऐसी गलती करने से बचे। और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आखिर ऐसे मिलावट करने वालों को क्या सजा देनी चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और भी इसी तरह के वीडियोज हम आपकी सेहत के लिए लाते रहें। धन्यवाद।